बड़ी और अहम खबर से जो कि रायपुर से आ रही है, आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र, आज चंद्राकर ने उठाया राज्यपाल के भाषण से छेड़छाड़ का मुद्दा, हिंदी वितरित कॉपी और अंग्रेजी में पढ़े गए भाषण में अंतर, आज चंद्राकर और ब्रजमोहन अग्रवाल ने उठाया मुद्दा, विपक्ष ने लगाया आरोप अब तक इतिहास में पहली घटना, आरक्षण के बारे में अंग्रेजी में एक लाइन हिंदी में बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई लाइन जोड़ी गई, राज्यपाल के साथ धोखा किया गया है, राज्यपाल के अभिभाषण का अपमान विधानसभा का हुआ है, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। और साथ ही आपको बता दें कि 10 मिनट के लिए राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो खबर आपको रायपुर से बता रहा है जहां पर विधानसभा का अपमान हुआ है, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता, ऐसा कहना है ब्रजमोहन अग्रवाल का। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल, अगर बात की जाए तो आज विधानसभा की कार्यवाही में एक बड़ा यहां पर मुद्दा सामने आया है, यहां पर भाषण, राज्यपाल के अभिभाषण के छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी स्वप्निल? जी बिल्कुल, विधानसभा की कार्यवाही आज से प्रारंभ हुई है और शून्यकाल में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्यपाल के भाषण से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब सदन बजट सत्र की शुरुआत में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था तो उस दौरान राज्यपाल को अलग कॉपी उनके भाषण की दी गई थी और जो विधायक है उनको अलग कॉपी उपलब्ध कराई गई थी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं संसदीय कार्य की अवमानना है और इसको लेकर विपक्ष ने मुख्य सचिव, संसदीय कार्य मंत्री और सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार और अवमानना का नोटिस जो है विपक्ष ने दिया। और विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि अब तक के इतिहास में ये पहली घटना है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल से जो भाषण है वो सरकार कुछ जो है अपने मन मुताबिक उनका भाषण करवाती है और जो विपक्ष के जो विधायक है उनको अलग कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। तो उन्होंने, विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो है राज्यपाल के अभिभाषण का अपमान जो है वो राज्य सरकार ने किया है। और इस बीच जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी जो है शोर शराबा यहाँ पर देखने को मिला है और इस दौरान जो है सदन की कार्यवाही जो है वो 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित है और विपक्ष इस पर जो है स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग जो है इस मुद्दे पर जो है किया है। अब देखना होगा कि इस पर जो पसंदी से इस पर क्या निर्णय आता है। जी चलिए स्वप्निल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर रायपुर से बता रहे थे आपका, आपको बता दें विधानसभा की जो कार्यवाही है वह 10 मिनट के लिए स्थगित की गई है। यहां पर राजेश चंद्राकर और ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुद्दा उठाया है।